जान, होप आप लोग घर पर सब फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बहुत सिंपल है, आलू गोभी की, और ये आप सिंपली घर पर बनाते भी होंगे, बट मेरे इस तरीके से आप ट्राई करके देखें, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आई एम श्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ढाबा स्टाइल आलू गोभी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आलू गोभी बनाने के लिए मैंने गोभी को ऐसे मीडियम साइज में काट के रख लिया है, और आलू को भी मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। थोड़े से मैंने लिए हैं इसमें मटर, और अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। आलू को हम इस तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमें आलूओं को फ्राई करना है, जब तक कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। छन्नी में निकालिए आप, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है वो निकल जाए। तो इसको साइड में रख देते हैं हम, और अब हम इसी तरीके से गोभी को भी फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम गोभी को फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना होने लगे। तो ये गोभी भी हमारी लगभग फ्राई हो गई है, इसको भी हम इसी तरीके से छन्नी में निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले आलू को निकाला था। और अब हमारा ये ऑयल ज़्यादा है, तो थोड़ा ऑयल हम कम कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले लिया है जीरा, 1/2 चम्मच हमने इसमें जीरा डाला है। कुछ थोड़े से हम इसमें 4-5 दाने लौंग के डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे हम इसमें। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक कार्डमम, काली इलायची, और ये मैंने 2 लाल मिर्च ली हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने एक अनियन को रफली चॉप करके रख लिया था, तो मीडियम साइज़ का, तो इसमें मैंने वो ऐड कर दिया है, और इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो ये रेड चिली मैंने इसमें ऐड की है, हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं हम इसमें, और अब इसमें ऐड हम करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें इसमें, अभी कम ही डालें, बाद में और डाल सकते हैं आप। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करें। इस स्टेज पे जब आप मसालों को डालते हैं ना, तो इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है सब्जी में। और ये मैंने 4 टमाटर लिए थे, टोमेटोज लिए थे मैंने 4, और उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिया था, तो वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले को, जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता, तो ढक के रख देते हैं 3-4 मिनट के लिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार, तो मसाला अच्छा फ्राई हो रहा है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा चेंज हो गया है। तो अभी इस स्टेज पे हम 1/2 कप मैंने मटर ऐड किए हैं, ज़्यादा मटर नहीं लिए मैंने, तो वो इसमें ऐड कर देती हूँ, जिससे कि मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे ग्रेवी के साथ ही। और इसे ढक कर रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो अब चेक कर लेते हैं, तो देखिए ऑयल भी रिलीज हो गया है, ग्रेवी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, मटर भी हमारे गल गए हैं। तो अब हमने जो फ्राई करे हुए आलू थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो आलू को पहले हम डालेंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम ढक कर रख देते हैं, और उसके बाद हम गोभी को डालेंगे, नहीं तो गोभी हमारी मैशी हो जाएगी, बिल्कुल मिक्स हो जाएगी इसमें। तो इसे ढककर मैंने रख दिया है 3-4 मिनट के लिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं, तो आलू भी हमारे गल गए हैं। तो अब हम इसमें गोभी को ऐड कर देते हैं, फ्राई की हुई गोभी को, और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज पे आप अपना सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। तो मेरे लिए परफेक्ट है बिल्कुल। तो अभी मैंने इसमें 4-5 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, वाटर इसमें ऐड करके इसको ढक के रख देंगे, जिससे कि मसाला नीचे लगे ना। तो 4-5 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था,
तो फ्रेंड्स, ये हमारी आलू गोभी की जो सब्जी है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। देखने से आपको पता चल रहा है कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसे आप पराठों के साथ, नॉर्मल रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और इस तरीके से ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करके देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और रेसिपी को, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।